प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुनः श्रद्धा मनु भाग 3 के साथ आपके समक्ष। बच्चों, आप देख रहे हैं भाग 3। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पाठ बहुत बड़ा है, तो 3 अंशों में, 3 टुकड़ों में इसे हम पढ़ेंगे। आज तीसरा, मतलब आज आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है कि श्रद्धा तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से मन को समझा रही हैं, उनके निराश मन को आशा से भरना चाहती हैं, नवजीवन के लिए प्रेरित कर रही हैं, उत्साह और उमंग की तरंगें जगाना चाह रही हैं। लेकिन मन, मानव मन जो होता है वो डूबता रहता है, उतराता रहता है, लेकिन अंततः क्या होता है और इस प्रसंग में क्या होगा, आइए अविलंब हम चलते हैं और जानते हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि मनु ने पिछले भाग में यहां तक कह दिया था श्रद्धा से कि तुम्हारी बातें मन में तरंगे जगाती हैं, आशा की, उत्साह की, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ये जो जीवन है ये सिर्फ सफलता की कल्पना करने वाला एक घर है, गेह है, पर वास्तविकता उससे भिन्न है। और वो कहते हैं मैंने ये अनुभव से जाना है कि हम जो सोच रहे हैं, जो कल्पना करते हैं, जो सुखद भविष्य के सपने देखते हैं, वस्तुतः जीवन जो है उससे बहुत ही अलग और बहुत भिन्न होता है। इतना सुनने के बाद श्रद्धा क्या कहती हैं, क्या बातें उनकी होती हैं, आइए चलते हैं मुख्य विषय से, जुड़ते हैं पुनः और जानते हैं कि आज जो अंश हमें पढ़ना है उसके मूल में जो भाव आएंगे, जो केंद्रीय भाव हैं, जो प्रधान भाव हैं, वो क्या हैं जो आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि विषय हमारा वही है, प्रसंग वही है, और आप जानते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से ये बातें आप तक पहुँचती होंगी। क्योंकि जब भाषाई एकता होती है तो कोई भी विषय बहुत ही आसानी से ग्राह्य किया जा सकता है। तो क्योंकि ये भाषा आपकी है, हर दिन के हमारे और आपके व्यवहार की भाषा है, तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से ये पंक्तियाँ मन मानस तक पहुँचती होंगी। और जो इसमें घटित हो रहा है मनु के साथ, आप ध्यान दें बच्चों, वो हमारे और आपके भी मानस का संवाद है। जो यहाँ श्रद्धा और मनु के संवाद हैं, निसंदेह जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम और आप ऐसे ही निराश होते हैं, ऐसे ही हताश होते हैं, और कोई न कोई श्रद्धा जैसा आता है हम में नव चेतना का, नव जीवन का, आशा का और उल्लास का संचार करता है। वैसे तो ये पंक्तियाँ कर ही रही हैं, और किताबें और ये सारे जो प्रसंग हैं ये जीवन में सबसे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं, ये सब आप जानते हैं। आइए अविलंब चलते हैं, सबसे पहले जान लें आज के केंद्रीय भाव। देखें बच्चों, श्रद्धा मन को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती हैं। इन भावों को सहेजे कुछ अंश आपके समक्ष आएंगे। पुनः श्रद्धा के समर्पण का प्रसंग है। मानवता को समृद्ध बनाने के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए श्रद्धा अपना समर्पण कर रही हैं, ऐसे भाव। और श्रद्धा द्वारा मन को मानवता की विजय का उपाय बताया जा रहा है। इन्हीं भावों की भूमि पर रची गई पंक्तियों में आज हमें उतरना है, उसके निहितार्थ को जानना है, उसको महसूस करना है। और जो शिल्प है, अद्भुत है, जो काव्य कला है जयशंकर प्रसाद की, उसे हम हर दिन हर पंक्ति में महसूस करते जा रहे हैं। आइए देखें, क्योंकि यहाँ तक हो गया कि मनु ने इतना कहा, अब देखते हैं कि मनु की इन बातों को सुनकर श्रद्धा क्या कहती हैं। सबसे पहला जो काम है वो है पाठ का। पूरे पाठ मैं नहीं करूँगी, मैंने आपको बार बार बताया है, एक दो पाठ मैं कर दूँगी, लेकिन आप सब पढ़ें, बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें। क्योंकि जैसे जैसे हम पाठ करते हैं, पाठ करते करते 2 से 3 बार जब हम करते हैं, तो पंक्तियों के अर्थ जो हैं वो स्वयं खुलने लगते हैं। पाठ के महत्व को हम और आप नकार नहीं सकते। आइए पाठ करते हैं, फिर इनमें निहित अर्थों की ओर चलेंगे। कहा गंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए
अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। अद्भुत पंक्तियां हैं बच्चों, हमारे और आपके अंदर भी नव चेतना का संचार करती हुई। ध्यान दें, तप नहीं केवल जीवन, सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का। अब जब मनु ने इतना समझाने के बाद भी नकारात्मक भावों से भरी हुई कुछ बातें श्रद्धा के समक्ष रखी, तो पुनः श्रद्धा कहती है, अब क्या कहती है, ध्यान दें, कहा आगंतुक ने सस्नेह। आगंतुक यहां कौन है? यहां आगंतुक का तात्पर्य श्रद्धा से है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि निर्जन में मनु अकेले एकांत बैठे हैं और वहां श्रद्धा आती है, तो आगंतुक श्रद्धा। कहा आगंतुक ने सस्नेह, स्नेह के साथ, आगंतुक अर्थात श्रद्धा स्नेह के साथ कह रही है, कोई खींच नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, बार बार समझा रही है, फिर भी स्नेह के साथ पुनः कह रही है। क्या कह रही है? अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाम। कहती है अरे तुम इतने अधीर हो गए, इतने जीवन से हताश निराश हो गए, तुमने अपना धैर्य खो दिया है, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि तुम तो इस जीवन के दांव को ही समझ रहे हो कि हार गए, जबकि तुम में जीवन है। हार बैठे जीवन का दांव, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जीवन में सब कुछ हार चुके हो, जबकि तुम जीवित हो, जीतते मरकर जिसको वीर। और ये जीवन तो ऐसा है कि इसके दांव को जीतने वाले लोग जो है, जो वीर हैं, वो मर कर भी जीत लेते हैं। अद्भुत अर्थ है बच्चों इन पंक्तियों में, और जीवन का बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है कि जब आप जीवंत हैं, जब आप में जीवन है, नवचेतना है, उल्लास है, आशा है, उत्साह है, और प्राण रहने से ही ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो यहां एक तरह से ये स्नेह के साथ तो कह रही हैं, लेकिन उनकी सुप्त चेतना को जगा रही हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, कि क्या तुम इतने अधीर हो गए, तुमने धैर्य खो दिया, आशा उत्साह हताश इतने ज्यादा हो गए, कि तुम जीवन का दांव ही, तुम इस जीवन को, कि तुम जीवित हो लेकिन तुम हारा हुआ अपने को मान रहे हो, जबकि मर कर भी वीर जो हैं वो जीत लेते हैं इस जीवन के दांव को, और तुम अभी जीवित हो तो तुम ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हो। फिर कहती हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि तुम, क्योंकि तपस्वी का वेश है तो उन्हें पहले भी उन्होंने तपस्वी कह के संबोधित किया है, कहती हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य, और कहती हैं कि सिर्फ तपस्या करना ही जीवन का सत्य सार या जीवन नहीं है, सिर्फ तपस्या ही नहीं, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। वो कह रही हैं कि ये जो दीनता है, जो दुख है, अवसाद है, जो करुणा के भाव, ये कैसे है, क्षणिक, ये क्षण भर के हैं, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो मानव मनोभाव है वो पानी के बुलबुले की भांति होते हैं। कैसे होते हैं? बुलबुला आपने देखा है, वो बनता है और बिगड़ता है, मतलब वो अस्तित्व में आता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। तो जो मानव मनोभाव है, यहां देखिए क्षणिक कहा गया, कि श्रद्धा कह रही है कि सिर्फ तपस्या करना ही जीवन का सार नहीं है, सत्य नहीं है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये जो दीनता है, ये जो दुख है, ये जो हताशा है, जो अवसाद है, कष्ट है, ये कैसा है, ये करुणा के भाव कैसे, ये क्षणिक है, क्षण भर के हैं, ये मानव मनोभावों की तरह हैं, और ये फिर क्षणिक है, ये जाएंगे। क्षणिक कहने का मतलब ये थोड़े समय के लिए हैं, ये हट सकते हैं, बीत सकते हैं, अगर आप सोच लें, स्वयं में आशा का संचार आप स्वयं करना शुरू कर दें, तो सारे नकारात्मक भाव स्वतः समाप्त होने लगते हैं। ऐसी बात, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, पुनः जगाती है, तरल आकांक्षा से, वो देखिए क्या कह रही है, तरल आकांक्षा, कि जो आकांक्षाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छा है, वो कैसी है, ये तरल रूप में हमारे और आपके अंदर निहित होती है, भरी रहती है, लेकिन वो कह रही है कि ये क्या है, ये तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, तरल आकांक्षा से है भरा, भरा पड़ा है ये जीवन सो रहा आशा का आह्लाद, लेकिन तुम क्या कर दिया है तुमने, कि आशा का जो आह्लाद है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो तुम्हारे अंदर सो रही है, तुम इसे जगने दो, तुम अपने अंदर के भय को, हताशा को, निराशा को दूर जाने दो और नवजीवन का संचार होने दो। आगे आइए देखें, ये भी अद्भुत भावों को स्वयं में समाहित किए पंक्तियां, पुनः, क्योंकि नवचेतना का संचार करना है, उनको जगाना है,
और तरह तरह के भाव, जब बहुत मन दुखी होता है आम जीवन में भी, तो बहुत अच्छी बातें भी हमें अच्छी नहीं लगती, हम बड़ी सरलता से उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो हमारा मानस होता है, जो मन है, जो हृदय है, वो बहुत कमजोर पड़ गया होता है हताशा और निराशा में। लेकिन आप माने कि अगर एक बार आपने सकारात्मक तरीके से सोच लिया तो शारीरिक शक्ति भी जो होती है वो नगण्य हो जाती है, आप अद्भुत अविस्मरणीय कार्य भी कर लेते हैं बड़ी ही सहजता से, क्योंकि सब कुछ जो होता है वो यहाँ हमने जो सोच लिया, जो बैठा लिया, वैसा ही सब कुछ दिखने लगता है। पुनः वो एक नवीन माध्यम से, एक नए उदाहरण से मनु में चेतना का संचार करना चाहती है। और आप देखिए, वो प्रकृति को माध्यम बना रही है, कहती है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी को। वो कहते हैं क्यों इस तरह निराश हो, हताश हो, मुरझाए हुए से दिख रहे हो, जो प्रकृति है उसके प्राकृतिक सौंदर्य का, उसके यौवन का, उसकी खूबसूरती का जो श्रृंगार है वो कभी बासी फूल नहीं करते। क्यों श्रृंगार के लिए? क्योंकि जो बासी फूल हैं आप देखिए वो कैसे होते हैं, उनमें सौंदर्य भी उसका फीका हो गया रहता है, वो मुरझाया हुआ रहता है, वो रसहीन होता है, वो गंधहीन भी हो जाता है। इसलिए वो बताना चाह रहे हैं कि मुरझाए हुए लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते, वो खिले हुए जो मन को आकर्षित करते हैं, जो तन मन को अपनी सुगंध से खींचते हैं, अपनी आभा अपनी सौंदर्य से आकर्षित करते हैं, ऐसे पुष्प प्रकृति की प्राकृतिक छटा का, उसके यौवन का, उसके जीवन का श्रृंगार करते हैं। मुरझाए और बासी लोगों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। और फिर उसी फूल के माध्यम से कहती हैं मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल, कि ये जो बासी फूल है उनका अस्तित्व क्या है, उनके साथ क्या होता है, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, कि वो बहुत ही जल्दी जाकर मिलेंगे किससे, आह उत्सुक है उनको धूल, वो धूल में मिलेंगे, उनका अस्तित्व यही है कि उन्हें धूल में मिल जाना है, वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो बार बार मन को जगा रही हैं। पुनः देखें आगे वो क्या कहती हैं, फिर उनको जगाने का ही प्रयास कर रही हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मन, कहते हैं तुम एक हो, अकेले हो, और यह विस्तृत, ये संपूर्ण जहां वो बैठे हैं पूरे को, कि ये पूरा विस्तृत भूखंड पृथ्वी का एक टुकड़ा इतना बड़ा सा है, और एक अकेले तुम हो, प्रकृति वैभव से भरा मन, और जो ये प्राकृतिक संपदा, ये वैभव दिख रहा है, ये कैसा है, अमंद, कभी जो फीका ना पड़े वो होता है अमंद। तो कहते हैं कि प्रकृति वैभवशाली प्रकृति जो है अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ, ऐसे सौंदर्य के साथ जो कभी फीका नहीं पड़ेगा, उससे ये सारा भूखंड, ये पूरी प्रकृति भरी पड़ी है, और भोगने वाले एक तुम हो, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। वो कहती हैं कि कर्म, जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उन संचित पुण्यों के कारण ही हम पृथ्वी के सुखों का भोग करते हैं, कर्म का भोग, पूर्व में संचित जो कर्म है उसके कारण हम पृथ्वी के सुख का भोग करते हैं, भोग का कर्म, और भोगते हुए जो अच्छे हम कर्म करते हैं वो फिर पुनः आगे हमें भोगना रहता है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है, यही सीख हमें अपनी संस्कृति से मिली है, यही जड़ चेतन का आनंद, कि आप कर्म करते रहें, आप सोचे नहीं, आप बीत रागी होकर बिना किसी बात को मन में लाए हुए बस निश्चिंत होकर मानवता की कल्याण के लिए कर्म करते जाएं। और फिर वो कहते हैं यही जड़ चेतन का आनंद, कि ये जो वृक्ष हैं, ये जो प्राकृतिक संपदा, ये भी यही कर रही है, यही जड़ चेतन का आनंद, कि ये जो जड़ है, जो वृक्ष है, वो भी मनुष्यों की भांति चैतन्य होकर सिर्फ आनंद का प्रसार कर रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आखिर क्या आशा करते हैं वो आपसे, वो मनुष्यों की भांति ही अपना वैभव अपने पास जो है वो उन्मुक्त होकर लुटा रहे हैं। तो वो आगाह करते हैं फिर तुम इतने मुरझाए, इतने सूखे, इतने निराश, इतने हताश क्यों हो। आगे फिर अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, कहते हैं कि अगर तुम मान रहे हो अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम
तुम अकेले हो और अपने को असहाय मान रहे हो, अकेले तुम कैसे असहाय, कैसे तुम असहाय हो, और अगर मान रहे हो यजन कर सकते, तो क्या तुम भूत यज्ञ, यजन अर्थात भूत यज्ञ क्या तुम कर सकते हो मानवता के कल्याण के लिए। यहां वंश वृद्धि की बात की गई है, वो ये कहना चाह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि अगर तुम मानते हो तुम अकेले हो और असहाय हो तो तुम यजन कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो भूत यज्ञ होना है, आप जानते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष ये दो शक्तियां होती हैं। तो यहां वही वो बात कहते हैं, क्या तुम कर सकते हो, तुच्छ विचार, और तुम्हारे अंदर ये तुच्छ, ये छोटी गिरी हुई बात कैसे आ गई कि तुम अकेले और असहाय हो। यहां अब श्रद्धा अपना समर्पण भाव भी जाहिर करेंगी। फिर देखिए संबोधित करते हैं तपस्वी, संबोधन का चिन्ह तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। और तब अब एक तरह से देखिए फिर उन्हें चुभने वाली बात, लेकिन स्नेह के साथ सारी बातें करें, वो चाह रहे कि हर प्रकार से वो मनु के मन को जगा दें, उसमें नवचेतना का संचार, आशा का संचार कर दें। कहते हैं तपस्वी तुम आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, कि तुम तो आकर्षण से हीन हो गए हो, और जो व्यक्ति अपने अंदर आशा नहीं रखता, उत्साह उमंग नहीं रखता, उससे कोई भी आकर्षित नहीं होता। जैसे पुष्प ही जो खिले हैं वो आकर्षित करते हैं, जो मुरझाए हैं वो नहीं। तो कहती है हे तपस्वी तुम तो आकर्षण से हीन हो गए हो, क्यों कर सके नहीं आत्मविस्तार, तुमने अपना आत्मविस्तार किया ही नहीं, तुम आत्म केंद्रित हो गए हो। जबकि जो हमारी संस्कृति है वो ये सिखाती है कि परमार्थ के लिए दूसरे के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दें, चाहे वो कर्म है चाहे अपना धर्म है, जो हमारी संस्कृति के मूल में है, जो हमें सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है, वो यही है कि परमार्थ दूसरे के अर्थ में अपने आप को निहित कर दें, अपने आप को लगा दें। तो वो कहती है कि तुम तो आत्मविस्तार कर ही नहीं सके, तुम आत्म केंद्रित हो गए हो, इसलिए इतने नकारात्मक भाव तुम में आ गए हैं। आइए आगे चले, अब देखिए वो क्या करती हैं, अब वो स्वयं का समर्पण कर रही हैं और कहती हैं समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। अब मानव जीवन के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, वंश वृद्धि के लिए श्रद्धा अपना समर्पण मन के समक्ष कर रही हैं और कहती हैं समर्पण लो सेवा का सार, कि जो सेवा का सार है, जो मूल है, वो समर्पण है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप जानते हैं समर्पित भाव के बिना सेवा संभव नहीं है। तो वो कहती हैं कि जो सेवा का सार है ये समर्पण, वो मैं आज तुम्हें समर्पित कर रही हूँ, स्वयं को सजल संस्कृति का यह पतवार। और मेरा ये जीवन, मेरा जो ये समर्पण है, पतवार की भांति होगा, कहाँ, सजल संस्कृति, संस्कृत मतलब संसार और सजल मतलब ये जो जलयुक्त संसार तुम्हें दिख रहा है, इसके लिए मेरा समर्पण पतवार की भांति, इसलिए मैं स्वयं को अर्पित कर रही हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, कि आज से जो मेरा ये जीवन है, इसका उत्सर्ग, इसका उन्मेष, इसका बढ़ना, सब कुछ तुम्हारे जीवन से जुड़ गया है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, मेरा जीवन जो है ये तुम्हारे लिए समर्पित हो गया है, इसी पदतल में विगत विकार, सिर्फ इसी पदतल में तुम्हारे चरणों में मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया है, विगत विकार, कि जो तुम्हारे विकार थे, जो परेशानियां, जो चिंता, जो भी तुम्हारे अंदर के विकार थे, बुराइयां थी, उसको भुला कर मैंने स्वयं को तुम में समर्पित कर दिया। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल। और फिर वो कहती हैं कि तुमने जीवन मरण के बहुत से रहस्यों को जान लिया है, तो फिर कहती है बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति यानी संसार के जो मूल रहस्य हैं वो तुम बन सकते हो, तुम बन जाओ, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल। क्योंकि ये जो बेल है वंश वृद्धि की, इस संसार को पुनः निरंतरता में बनाए रखने की, वो तुम्हारे ही द्वारा होना सुनिश्चित है। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, कहती है कि जो संपूर्ण संसार विश्व भर सौरभ से भर जाए, ये सुगंधित हो जाए, किससे, ये किससे सुगंध, क्योंकि निर्जन है सब कुछ और अब दो लोग आ गए हैं, तो ये अपना समर्पण कर रही हैं, स्वयं में मन को रमण करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, मानव सभ्यता के उत्थान के लिए, मानव के कल्याण के लिए ये वंश वृद्धि की बात कह रही हैं। तो फिर कहती हैं विश्व जो है, ये विश्व संपूर्ण सुगंधित हो जाए,
ये सौरभ से पुनः भर जाए, लेकिन कैसे भरेगा? सुमन के खेलो सुंदर खेल। सुमन यानी यहां वंश के लिए, मानव के लिए प्रयुक्त है कि तुम वो सुंदर खेल खेलो जिसके माध्यम से ये जो संपूर्ण संसार है ये सुमन के सौरभ से, सुगंध से भर जाए, पुनः ये सृष्टि संचालित हो जाए। आगे देखें और वो देखें फिर क्या कह रही है। बार बार वो उनको समझा रही हैं, जगा रही हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? फिर कहती है क्या तुम सुनते नहीं हो कि विधाता का ये मंगलमयी कल्याणकारी उत्थानकारी वरदान है? क्या है? शक्तिशाली हो, विजयी बनो। कि तुम शक्ति के सागर हो, शक्तिशाली हो तो तुम ही विजयी बन सकते हो, इसलिए तुम आगे बढ़ो, विश्व में गूंज रहा जयगान। वो कहती है कि संपूर्ण संसार में, विश्व में यही जयगान गूंज रहा है कि जो शक्ति रखता है वो विजयी बनता है, इसलिए तुम विधाता के इस मंगलमयी वरदान को सुनो और आगे बढ़ो। किस लिए? मानव के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, नव जीवन के लिए श्रद्धा आमंत्रित कर रही है मनु को। फिर कहती है डरो मत, अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगल में वृद्धि। वो कहती है कि मंगलमयी जो वृद्धि है कल्याणकारी वो अग्रसर है, वो आगे है तुम्हारे, इसलिए डरो मत अमृत संतान। हे देव संतान, हे अमृत संतान, तुम बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मंगलमयी कल्याणकारी उत्थान अग्रसर है, आगे बढ़ चुकी है, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। वो कहती है कि जो जीवन है, जीवन का जो केंद्र है वो आकर्षण से, उल्लास से भरा हुआ है, सौंदर्य से भरा है। तो जब एक बार तुम जीवंतता महसूस करने लगोगे, खींची आवेगी सकल समृद्धि, तो ये संपूर्ण जो संसार में इतना वैभव है वो स्वयं इस जीवन के केंद्र में आकर्षित होकर, खींचकर तुम्हारे पास स्वयं चला आएगा। आगे देखिए फिर कहती हैं विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। कहते हैं कि विधाता की जो कल्याणमयी, जो कल्याणी सृष्टि है, यानी जो मानव है, मानव को कहा गया, उसको श्रेष्ठ माना गया, कि इस सृष्टि में जो कल्याणकारी है वो यही मानव है जो विश्व कल्याण की भावना से जीते हैं। तो कहते हैं जो उनकी मंगलमयी सृष्टि है, कल्याणी सृष्टि है, उसको सफल करने के लिए आओ इस भूतल को फिर से पूर्णता और आह्लाद से भर दो। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, जिससे जो ये सागर है जो बिखरा पड़ा है पट जाएगा, जब मानव हो जाएंगे, जब वंश बढ़ जाएगा, जब लोग हो जाएंगे, जब शक्ति अर्जित कर लोगे, आशा और उत्साह से भर जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सागर पट जाएगा और जो हमारे चारों तरफ ग्रह पुंज बिखरे पड़े हैं वो हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगे और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और जो ये विनाशकारी ज्वालाएं हैं ये चूर्ण हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी। सानंद, बहुत बड़ी बात कि बच्चों देखिए कि संपूर्ण सृष्टि में क्या होता है, कि कौन ये मानव ही है जो कभी कितना भी टूट जाए, कितना भी हार जाए, पुनः नव चेतना भर कर खड़ा होता है साहस के साथ। तो कहती हैं कि एक बार जब तुम डर छोड़कर आगे बढ़ोगे तो ये सब कल्याण होगा। उन्हें चिंगारी सदैव सदैव कुचलती रहे खड़ी सानंद, कि जो मानवता हो आनंद के साथ सभी परेशानियों को चिंगारी की भांत अपने पैरों तले कुचल देगी, इस तरह का साहस वो भर रही हैं। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। और कहती हैं कि तुम आओ, अब मैं तुम्हारे समक्ष हूं, मैंने समर्पण कर दिया है, तो आओ और ताकि इसका जो आनंद हो संपूर्ण विश्व महसूस कर सके, ये मानवता की जो कीर्ति है, जो उसका यशोगान है, वो अनिल अर्थात हवा, भू मतलब पृथ्वी धरती और जल, कि हवा में, जल में और इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव की कीर्ति बंद ना हो, वो फैलती रहे, लोग जानते रहे। आगे आइए फिर क्या कहती हैं, पाठ लंबा है लेकिन बहुत सहज है क्योंकि भाषाई एकता है। तो देखें क्या कहती हैं, जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराएं। वो कहते हैं अभी जो प्रलय हुआ उसमें आपने देखा, महसूस किया कि जलधि यानी समुद्र के कितने सारे सोत फूटे, इतने सोते निकल पड़े एक साथ कि सारे द्वीप और जितने कछुए वगैरह थे सब डूबने उतराने लगे, सब परेशान हो गए। लेकिन किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। फिर भी अपने को और मन को कह रही है वो कि जब वो इतने उत्स फूट गए, इतने स्रोत निकले, तो सब जीव जो है वो
एकदम परेशान हो गए सारे द्वीप, पूरा संसार और जितने कच्छप वगैरह थे सब। लेकिन किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्त पर दृढ़ मूर्ति की भांति, बिना डगमगाए बिना निराश हुए। कौन खड़ा रहा? मानव। कौन? मन, श्रद्धा। वो कह रही है अभ्युदय का कर रही उपाय। और ये जो मानव ही है वो दृढ़ होकर सब देखता है और पुनः आशा भर कर पुनः एक नवीन उत्थान के उपाय सोचने लगता है, यही मानव कहलाता है। आइए ये अंतिम अंश हमारे और आपके समक्ष। अब क्या कह रही हैं? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। वो कहते हैं जो शक्ति के विद्युत कण हैं वो हर तरफ जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो जो हर तरफ बिखरे हैं फैले हैं, चाहे प्रकृति को लें, प्रकृति के बहुत सारे, ये सारे आपको पता ही है कि विद्युत कणों से, ये शक्ति के कणों से ही ये सब बिखरे हैं और इनसे ही मिलकर बनी है ये सृष्टि। और अपने को और मन को भी वो प्रकारांतर से ले रही हैं और कहती हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त हैं, जो इधर उधर बिखरे हैं निरुपाय, जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो निरुपाय होकर बिखरे हो, कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? मनु से कहती हैं समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। कि आइए मिलकर उनका समन्वय करें, उनको एक कर दें, जिससे जो ये मानवता है, जो मानव सृष्टि है, पुनः विजयी बनकर खड़ी हो जाए, पुनः ये विजयिनी हो जाए। कौन? मानवता। क्योंकि यही है जो कभी नहीं हारती, जो हर परिस्थिति में उठकर खड़ी होती है। तो मानवता की विजय की बात कर रही हैं और इसी मानवता की विजय के लिए वो अपना समर्पण भी करती हैं। इतना अंश हमें और आपको पढ़ना था। आइए आगे और चलते हैं, इन पंक्तियों के सौंदर्य की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है काव्यगत सौंदर्य। श्रद्धा के माध्यम से कर्म का संदेश दिया गया है। विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना अपेक्षित है, ये बातें बताई गई। भाषा आप जान ही रहे, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद और छंद जो है वो 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। आइए बच्चों अपने अभीष्ट की ओर चलते हैं, मूल्यांकन की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना मूल्यांकन के, बिना इस पड़ाव के हम ये जान ही नहीं पाते कि हम अपने लक्ष्य में कितने ज़्यादा सफल हुए हैं और जो हमने निर्धारित किया था उसे हमने कितना साधा है अपने लक्ष्य को, ये हम और आप मूल्यांकन के माध्यम से जानते हैं। देखिए क्या है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, जितने हो सकें आप अवश्य करें। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को किसका उपाय बताया है? जो आखिरी पंक्तियां मैं उन्हीं को देती हूं, देखें उसी में, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, इस एक पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। और आखिरी, श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? आपने सब पढ़ लिया, आप समझ रहे हैं। आइए आखिरी संप्राप्ति, हमने और आपने क्या पाया? हम जान पाए हैं उस शिल्प सौंदर्य को, उस कहन के ढंग को, उस शैली को, उस मानव मनोभावों के अद्भुत चित्रण को, जिसके लिए कामायनी आज भी आधुनिक युग के महाकाव्यों में शीर्ष पर है। हम प्रसाद की काव्य कला पर बार बार, कई बार मुग्ध हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।